नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार के युवाओं को बंगाल में रोजगार मिलेगा अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। उस पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी अनगढ़ बयान देने में माहिर है ही। मधुबनी में क्या हुआ उस पर आप लोग सबको पता है ही। जहाँ तक सुशील मोदी का बात है तो वो आउट ऑफ सीन है और बिहार के बीजेपी ने उनको दरकिनार कर दिया गया है और उल्टी सीधी बात करके वो सिर्फ न्यूज में बने रहना चाहते हैं। वही चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी को 24 घंटे तक चुनाव प्रचार के रोक पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह जो फैसला चुनाव आयोग का आया है वह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो गई है और जो चुनाव आयोग को काम करना चाहिए वह ना करके सत्ता दल की गुलामी कर रही है और बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। वही मधुबनी कांड में सुशील मोदी द्वारा ट्वीट कर तेजस्वी यादव के साथ आरोपी की संरक्षण पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब उनके पिता का बयान आ ही गया हो तो हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है और जो उनके परिवार ने कहा वो मीडिया को पता ही है और बिहार की जनता को भी पता है। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। आप पर भी आरोप लगाए थे सुशील मोदी ने कि आप संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को मधुबनी कांड में, ट्वीट किया था। सब कुछ पता ही है, जब उनके पिता का बयान आ ही गया जी तो हमको सफाई देने की जरूरत ही नहीं। दो बीजेपी विधायकों का भी नाम आ रहा है तेजस्वी जी उस कांड में। अरे पहले तो उनको धरपकड़ना चाहिए, हम लोग तो मांग कर ही रहे। ये तो साथ हम कई मीडिया के साथी हमारे साथ भी हैं, हमने जो बातें सुनी वो आप लोगों को बताई और बिहार की जनता को बताई।